यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। आज क्या है 12 राशियों के हाल, ये बता देते हैं आपको। मेष राशि की बात करते हैं, व्यवसायियों के लिए आज का दिन लाभदायी है, ऐसा गणेश जी कहते हैं और परिवार का आनंददायी वातावरण भी आपके मन को प्रफुल्लित रखने में सहायता करेगा और इसी के साथ स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, सहयोगियों का अच्छा सहयोग मिलेगा और सामाजिक अक्षेत्र में यश कीर्ति मिलेगी। वृषभ राशि की बात करते हैं, आज बौद्धिक चर्चाओं से दूर रहे, विद्यार्थियों के लिए समय कठिन है, पेट संबंधित रोग से भी मन चिंतित हो सकता है, परंतु मध्याह्न के बाद रोग में आपको राहत का अनुभव होगा और मानसिक रूप से भी आपको आज थोड़ा अच्छा लगेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, आज आप में सफूर्ति का अभाव रहेगा, पारिवारिक सदस्यों के बीच में तू-तू मैं-मैं होने की भी आशंका है, स्थावर संपत्ति के पात्रों के विषय में सावधानी रखें, आकस्मिक धन के खर्च की आशंका रहेगी। कर्क राशि की बात करते हैं, किसी भी कार्य को बिना सोच समझकर आज के दिन ना करें, थोड़ी सी सावधानी बरतें, आपके स्वजनों के साथ हुई भेंट से आनंद आज आपको मिलने वाला है और उनसे प्रेम पूर्ण संबंधों से आपके आनंद में वृद्धि होगी, यानी कि आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। प्रतिस्पर्धियों के सामने मनोबल पूर्वक टिके रहें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। सिंह राशि की बात करते हैं, आज बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होने से चर्चा में भाग ले सकते हैं, परंतु वाद विवाद को थोड़ा सा आज टाल दें, पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा, आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है, भाइयों से आज के दिन लाभ मिलने वाला है आपको, आध्यात्मिक क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त होगी। कन्या राशि की बात करते हैं, आज के दिन आपकी वाणी के प्रभाव से आपको लाभ मिलने वाला है, इससे अन्य लोगों के साथ आपके संबंधों में प्रेम की भी वृद्धि होगी, पर्यटन आपके लिए आनंददायी रहेगा, व्यवसायिक क्षेत्र में भी आज के दिन आपको शुभ लाभ प्राप्त होने वाला है। तुला राशि की बात करते हैं, आज के दिन क्रोध को वश में रखकर स्वभाव को मृदु बनाए रखें, वाणी पर संयम रखने से वातावरण को शांत रखने में आप सफल हो सकते हैं, खर्च की मात्रा आज अधिक रहेगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, जीवन साथी प्राप्त होने के लिए आज का दिन शुभ है, आय और व्यापार में भी वृद्धि के योग है, मित्रों के साथ प्रवास घूमने जा सकते हैं जहां आपका समय काफी आनंद पूर्वक बीतेगा, आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता ना हो इसका ध्यान रखें। धनु राशि की बात करते हैं, आज आपके कार्य की योजनाएं अच्छी तरह से संपन्न होंगी, व्यवसायिक रूप से भी सफलता प्राप्त होगी, कार्यालय में वातावरण अनुकूल रहेगा, परिवार में भी आनंद उल्लास बना रहेगा, मित्रों से हुई भेंट से मन प्रफुल्लित रहेगा। मकर राशि का हाल आपको बता देते हैं, आज विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए संभावनाएं बढ़ सकती हैं, परिजनों में आनंद उल्लास का वातावरण बना रहेगा, व्यवसायिक क्षेत्र में प्रमोशन आज के दिन आपको मिलने वाली है, उच्च अधिकारियों को भी आपके कार्य से प्रसन्नता होगी और धन के साथ मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। कुंभ राशि की बात करते हैं, नए कार्य का प्रारंभ आज के दिन ना करें, स्वास्थ्य संभालने के लिए खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी वाणी पर संयम रखने से आप किसी के साथ उग्र चर्चा अथवा मन मुटाव को टालने में सफल हो सकेंगे, मध्याह्न के बाद आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी।
अब मीन राशि का हाल आपको बता देते हैं कि आज मीन राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ होगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। किसी मनोरंजन स्थल पर स्नेहीजनों के साथ आनंद मनाने से मन प्रफुल्लित हो जाएगा, परंतु मध्याह्न के बाद परिस्थिति में परिवर्तन का अनुभव आप करेंगे और नए कार्य का प्रारंभ आज के दिन न करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे त्रिलोकपुर की मां बाला सुंदरी की आरती।